उन्नाव कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हिरासत नहीं विधायक की तुरंत गिरफ्तारी हो। तो सरकार ने कोर्ट में एमएलए के हिरासत में होने का हवाला दिया था, जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत रद्द कर गिरफ्तारी। 2 मई तक प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए, ये कहना है हाईकोर्ट का कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर दरअसल ये रिपोर्ट दी जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 2 मई को 10 बजे तक ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंपने की बात की है। कहा गया है कि जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है वो 2 मई तक 10 बजे तक हर हालत में सौंपी जाए। 20 जून अन्य प्राथमिकी की भी विवेचना करने की बात सीबीआई ने की। इसके अलावा आपको बता दें कि मामले की खुद निगरानी करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। इस पूरे मसले को लेकर खुद निगरानी करने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से की गई है। तो 20 जून अन्य मामलों को लेकर भी दरअसल सीबीआई विवेचना करे, ये कहा गया है हाईकोर्ट की ओर से। आपको बता दें कि हाईकोर्ट दरअसल 2 मई तक 10 बजे तक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंपने की बात करता भी नजर आया। स्टेट की तरफ से अपीयर अधिवक्ता नीरज तिवारी ने यह बताया कि पुलिस को मैटर को हैंडओवर करने की बात कही गई है, बट कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इस बात की नहीं है अभी तक हमारे पास कि यह मैटर हैंडओवर हो चुका है और सीबीआई ने इस पर संज्ञान लिया है या नहीं लिया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय की इस पीठ ने इस पे ये निर्देश जारी किया गया है कि अभियुक्त विधायक मिस्टर सेंगर को अरेस्ट करते हुए इस मामले की अग्रिम प्रक्रिया संबंधित आईओ और सीबीआई दोनों द्वारा पूरी की जाए और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए इस मैटर को 2 मई को पुनः कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया है। यह उन्नाव वाले मैटर में यहाँ पर चीफ जस्टिस कोर्ट में आज जो पीआईएल लगी हुई थी उसमें कोर्ट का फैसला अभी आया है, जिसमें कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया है कि सीबीआई उन तीनों क्राइम नंबर की जांच करेगी और साथ ही साथ उसमें जो मुलजिमान पहले क्राइम नंबर में जो बेल आउट हो चुके हैं उनकी बेल कैंसिलेशन सीबीआई मूव करेगी और साथ ही साथ इस इन्वेस्टिगेशन कोर्ट विद इन टाइम अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और सारे मुकदमों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो 2 मई को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश करेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि कोर्ट के डायरेक्शन के बाद चूंकि पहले गिरफ्तारी की बात आई थी लेकिन चूंकि सुबह 4:25 पे सेंगर की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट के नॉलेज में ये बात आ गई थी, लिहाजा चूंकि गिरफ्तार हो चुका है तो आगे अब इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का कोई प्रेशर न डाला जाए या इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्शियलिटी न होने पाए, इसलिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ किसी प्रेशर के बिना उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ ही साथ उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इसीलिए मांगा है ताकि अगर सीबीआई को हीला हवाली करती है, कोई टालमटोल करती है तो कोर्ट के सामने उनको इसकी जवाबदेही देनी होगी। सबसे पहले सवाल उन्होंने लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल से ये पूछा कि मिस्टर कुलदीप सिंह का इस समय प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो कहाँ है। तो लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि उनको डिटेन किया गया है, मीनिंग देयर बाय द लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल अप्राइज द कोर्ट फ्रॉम दिस वेरी फैक्ट दैट श्री कुलदीप सिंह जी हैज बीन डिटेन्ड। जिस पर ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये पूछा, ये कहा कि अगर उनका डिटेंशन किया गया है अरेस्ट किया गया है, तो लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि उनका डिटेंशन किया है। तो इस पर कोर्ट थोड़ा सा तल्ख हुई और उन्होंने कोर्ट ने मिस्टर एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि सपोज अगर हम आपको 10 मिनट के लिए इस कोर्ट में बैठा लेते हैं तो इट अमाउंट टू डिटेंशन बट इट डज नॉट अमाउंट टू अरेस्ट।